गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हेमंत डागा, राजस्थान चित्तौड़गढ़ से। मैं पिछले एक साल से डेयरी फील्ड में एक्टिव हूँ। मेरा ब्रांड आता है घी का, सुपारस के नाम से, और मैं घी मैन्युफैक्चरिंग और पनीर बनाने की विधि को लेकर के कुछ क्वेरीज लेकर के आया था। तो यहाँ आने पर मुझे मेरी सारी प्रॉब्लम्स का अच्छे से सॉल्यूशन मिला है और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ यहाँ दी जा रही प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग से। अपार्ट फ्रॉम दी, सबसे पहले मैं हमारे जो रेस्पेक्टेड ट्रेनर्स हैं, संदीप सर, मुकेश सर, भरत सर एंड मेहुल सर, मैं आपका बहुत ही शुक्रिया करना चाहता हूँ। इन लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है नए यूथ को और जो पुराने बिजनेस पर्सन हैं उनको ट्रेन करने का, जो छोटी छोटी बारीक गलतियाँ जो की जाती है पैरामीटर्स को लेकर के, टेक्निकल एरर्स जो की जाती है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है काफ़ी वेज में, तो उन चीज़ों को लेकर के उन्होंने काफ़ी हमें ट्रेन किया और बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो इन्होंने किया है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाना सिखाए, सबका बिहेवियर काफ़ी अच्छा रहा। स्पेशली हमारा जो भरत सर है, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से टीच किया, हर वे से इन्होंने हमारी हर गलती को बर्दाश्त किया और बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद देम। तीन दिन की जर्नी में आपको क्या ऐसी चीज़ें लगी प्रैक्टिकली, अगर हर एक मैन्युफैक्चरर को पता हो तो वो और अच्छा इम्प्रूव कर सकता है अपने डेयरी बिजनेस? देखिए, एज ए डेयरी बिजनेस हर बिजनेसमैन को पता होना चाहिए जो उसका स्टार्टिंग स्टेप है, मिल्क रिसेप्शन से लेकर के मिल्क प्रोक्योरमेंट और उसकी जो लैब टेस्टिंग है उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो वही चीज़ हमको यहाँ बेसिक सिखाई है कि मिल्क रिसेप्शन, मिल्क प्रोक्योरमेंट, उसका लैब टेस्टिंग, एडल्ट्रेशन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से सिखाई गई है। तो हर बिजनेसमैन को इनिशियल लेवल पर ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगी एडल्ट्रेशन को फाइंड आउट करने पर, क्योंकि अगर प्रोडक्ट एडल्ट्रेटिव नहीं होगा तभी आपको 100% रिजल्ट और रिकवरी मिलेगी। तो आई मस्ट से कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया है। यहाँ आने से पहले आपका जो विज़न था इस ट्रेनिंग को लेकर के, और यहाँ से जाने के बाद आपका क्या जो वो विज़न यहाँ पे फुलफिल हो पाया है, हम आपसे वो भी जानना चाहते हैं। यस सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, सबसे पहले जब मैं यहाँ देखा ऐड मैंने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एवरीवेयर, तो थोड़ा मन में संशय था, शंका थी, पता नहीं कैसी ट्रेनिंग रहेगी, जो मेरे मन में क्वेरीज है वो पूरी होगी नहीं होगी। पर आफ्टर स्पेंडिंग 3 डेज एट हियर बहुत अच्छा लगा, जो क्वेरीज थी सारी फुलफिल हुई, प्रैक्टिकल सेशन काफ़ी अच्छे गए, पनीर बनाने को लेकर के जो मेरे मन में शंकाएं थी वो सारी दूर हुई है, अच्छे से पनीर की जो रिकवरी है वो मैंने सीखी, घी बनाना मैंने सीखा अच्छे से, मिल्क रिसेप्शन, मिल्क प्रोक्योरमेंट, एडल्ट्रेशन को कैसे फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई है। तो काफ़ी अच्छे से सब कुछ रहा है यहाँ पे। जो लोग आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस ट्रेनिंग को लेकर? ओके, जो लोग डेयरी इस फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि यहाँ ज़रूर और ज़रूर आना चाहिए, इट्स ए मस्ट कम फील्ड, यहाँ आपको आना ही चाहिए, सारी चीज़ें सीखनी चाहिए अगर आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। जैसे मुकेश सर ने बोला, आई थिंक कि ऑटो पायलट मोड पे अगर आपको बिजनेस लेके जाना है तो उसके लिए आपको इसकी जो बारीकियाँ हैं जहाँ आप एरर कर रहे हो, है ना, उन बारीकों को सीखना होगा ताकि आप टेक्निकल एरर नहीं कर पाओ। तो उन चीज़ों को सुधारने के लिए डेयरी फील्ड से जुड़े हुए हर व्यक्ति को यहाँ पर एक बार आकर के और संबंधित सारी चीज़ों की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, भले वो लेबोरेटरी से रिलेटेड हो, मिल्क प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। दो शब्द इस प्लेटफॉर्म के लिए और जो आपके ट्रेनर रहे हैं और पूरा टीम रहा है उसके लिए आपके तरफ से? जी सर, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ना, नए बिजनेस पर्सन्स को, नए स्टार्टअप्स को और एग्जिस्टिंग जो टाइकून्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए। काफ़ी लोग समझते हैं हमें काफ़ी टाइम से आता है, हम 40-50 साल से इस बिजनेस में हैं तो हमें सब कुछ आता है, लेकिन कहीं कहीं वो भी कुछ छोटी मोटी बारीक गलतियाँ कर रहे थे, तो उन लोगों ने भी यहाँ उन चीज़ों को रेक्टिफाई किया है। और हम जैसे जो नए स्टार्टअप वाले हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, हमने बस इधर उधर से सुना था, किसी ने बता दिया पनीर ऐसा बनाना है, किसी ने बता दिया घी ऐसा बनाना है, तो हम वही मेथड फॉलो कर रहे थे। पर यहाँ आने के बाद बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, बहुत सारे नए मेथड पता चले हैं, है ना, तो काफ़ी अच्छा रहा और टीम काफ़ी सपोर्टिव है, सब काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं अच्छे से। आप जितने भी 4 फुट रेस्पेक्टेड पर्सन है, आपको सबको हैट्स ऑफ, आप नए आने वाले यूथ को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करेंगे और नए बिजनेस टाइकून्स आप प्रिपेयर करेंगे। सर, आपके बेचमेट्स के लिए? ओके सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सारे बेचमेट्स के साथ, सभी अच्छे लोग हैं, देश के कोने कोने से लोग आए यहाँ पे, मुंबई, गोवा, वेर एवर, हर जगह से लोग आए, सभी का अच्छा नेचर रहा, कोऑपरेटिव रहा सभी का, ट्रेनिंग पीरियड में भी और आफ्टर ट्रेनिंग जब हम कैब में जा रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, तो जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है सब अपने अपने प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन एक दूसरे डिस्कस कर रहे थे, तो काफ़ी एक हेल्दी एटमॉस्फेयर था और बहुत कुछ सीखने को मिला इन द क्लास एंड आफ्टर द क्लास, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे यहाँ पे। थैंक यू।